दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो लोग उपाय करते हैं या जिनको उपाय बता दिए जाते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। ऐसा कुंडली में कौन सा प्लैनेट है जिसके खराब होने से ना आप उपाय अगर आपको 7 दिन का बोल दूं, 21 दिन का बोल दूं, 41 दिन का बोल दूं या एक बार करने के लिए बोल दूं, या तो आपका मन ही नहीं करेगा करने के लिए और अगर आपने कर भी दिया ना तो आप कहोगे कि कुछ फर्क तो पड़ा ही नहीं है तो आगे से मैं और उपाय करूंगा नहीं। ये उनके साथ होता है जिनकी कुंडली में सन की पोजीशन खराब होती है, सन वीक पोजीशन पे होता है। वो लोग या तो उपाय कर नहीं पाते, उपाय किया तो उसका असर नहीं आता। इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जब भी सो के उठते हैं 12 बजे से पहले पहले, कोई ये नहीं है कि आपने 5 बजे सो के उठना है, 6 बजे सो के उठना है, 7 बजे सो के उठना है, जब भी आप सो के उठते हैं, क्योंकि ऐसे लोग कहीं ना कहीं थोड़े से लेजी भी देखे जाते हैं। आप उसके आधे घंटे के अंदर हाथ मुंह धो के ब्रश करके आपने क्या करना है, सूर्य को अर्घ दे के, वो भी आपकी मर्जी है आपको देना है नहीं देना, सूर्य को देख के अगर आपने ओम नमः शिवाय 7 बार 21 बार बोल लिया ना, 108 भी आप रहन दीजिए, आप 7 बार 21 बार ही बोल दीजिए और आप देखेंगे किस तरीके से आपकी रेमेडीज जो है आपका करने का दिल करेगा। आप अपने लिए कुछ कहते हैं ना कि अब जोश आ जाता है कि हमें अब अपने प्लैनेट्स ठीक करने हैं, अब हमें कुछ करना है, अब नाउ इट्स टाइम अप हो रहा है, तो वो आपका हो जाएगा। दूसरा नंबर, अगर आप सन का उपाय कर लेते हैं, अगर आप अपने सन को ठीक कर लेते हैं कुंडली में, तो आपके बाकी जो 8 प्लैनेट्स होते हैं ना वो अलाइन हो जाते हैं, वो बेटर पोजीशन में आ जाते हैं, वो आपको जितना बैड इफेक्ट दे रहे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इस चीज़ को रेगुलर कर सके बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सके ऑन एंड ऑफ करो, लेकिन इस चीज़ को आप करो, फ़र्क आएगा ना, आप अपने आप ही आपके अंदर से हो जाएगा कि इस चीज़ ने मुझे इतना बेटर रिजल्ट दिया है, अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ओम नमः शिवाय बोलना है सूर्य को देखते हुए, या तो फिर सूर्य की पूरी किरणों के बीच में बैठ के आपने इस चीज़ को बोलना है, मतलब कि सन अच्छे से आप पे धूप आ रही हो, आपने इस चीज़ को करना है। और